हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्वीन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी स्वीट कॉर्न ब्रेकफास्ट नमकीन की रेसिपी। तो ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और सभी को बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही इजी तरीके से हम आज स्वीट कॉर्न नमकीन बनाएंगे, तो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो उसके लिए हमने 4 से 5 ये भुंटे लिए हैं, ये बिल्कुल ताज़े फ्रेश भुंटे हैं। तो अगर आपके घर पे भुंटे बच जाएं तो आप इस तरीके से नमकीन बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इनके दानों को हम छील कर एक बाउल में कर लेंगे। तो इस तरीके से इसके दानों को छील लेते हैं। तो चलिए सभी भुंटों को ये दानों को छील कर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी नमकीन बनाएंगे। तो देखिए, भुंटे के दानों को हमने छील कर तैयार कर लिया है। कॉर्न हमारे एकदम रेडी हो गए हैं, तो इसको हमने धुलकर ले लिया है। एकदम फ्रेश कॉर्न हमारे नमकीन बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। और एक बाउल ये हमने कॉर्नफ्लोर लिया है और एक बाउल हमने ये मैदा लिया है, तो इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉर्न को एक बाउल में डालकर इसे बॉयल कर लेते हैं। बॉयल होने के बाद ही हम इसकी नमकीन बनाएंगे। और इसे एक हमने फ्राई पैन ले लिया, इसे एक फ्राई पैन में डाल देते हैं। तो कॉर्न के दानों को हमने पहले ही धुलकर तैयार कर लिया था। देखिए, दानों को हमने फ्राई पैन में कर दिया है। इसमें 1 गिलास पानी डाल देते हैं जिससे हमारे कॉर्न के दाने अच्छे से बॉयल हो जाएं। तो आधा गिलास इसमें पानी हम और ऐड करेंगे। तो 1.5 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है और इसे बॉयल होने के लिए गैस पर रख देते हैं। तो देखिए, गैस पर हमने फ्राई पैन को रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और कॉर्न को ढककर 5 मिनट बाद हम इन्हें चेक करके देखेंगे। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, कॉर्न को चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए, अभी इसमें बॉयल आ रहा है, तो अभी हमारे कॉर्न अच्छे से फूले नहीं हैं, तो इनको फिर से ढककर पका लेते हैं। तो फिर से इन्हें 5 मिनट बाद हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, तो फिर से चेक करके देखते हैं कॉर्न हमारे अच्छे से पककर तैयार हुए हैं नहीं। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, बहुत ही अच्छा इनमें कलर आ रहा है और ये पककर तैयार हो गए हैं। तो चलिए, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो देखिए, कॉर्न को एक बाउल में निकाल लेते हैं, जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हटा देंगे। तो देखिए, इस तरीके से छलनी में भी छान कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल सकते हैं। और सभी दानों को बाउल में कर लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हमारे दाने तैयार हुए हैं, तो इनको सभी को बाउल में कर लेते हैं। तो देखिए, बाउल में हमने दानों को कर लिया है। तो चलिए, इसमें 2 से 3 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 2 से 3 चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में डालना है, अगर ये सूखे रह जाएंगे तो इसके बाद हम डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे। तो 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, 2 चम्मच हमने मैदा डाली है। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं, दानों पर अच्छे से कोटिंग आ जानी चाहिए, तभी हमारी क्रिस्पी नमकीन बनेगी। तो चलिए, इन्हें मिक्स करते हैं। अगर इसमें अच्छे से मिक्स ना हो, अगर आप बाउल छोटा है, तो चलिए इसे एक बड़े बाउल में कर लेते हैं जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाने के लिए हमने इसे एक बड़े बाउल में कर लिया जिसमें ये आसानी से मिल जाएँ और दानों पर अच्छे से कोटिंग आ जाए। तो इस तरीके से अच्छे से मिलाना है। देखिए, कॉर्न के दाने अगर हमारे ड्राई लगें तो इसमें इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालकर इस पर फिर से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा की कोटिंग कर देंगे। तो 2 से 3 बार हमें यही प्रोसेस करना है जब तक हमारे दाने अच्छे से कोटिंग ना हो जाए। दानों पे अच्छे से कोटिंग आ जानी चाहिए, तभी हमारी नमकीन बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए, 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा फिर से डालेंगे और फिर से वही प्रोसेस करना है, फिर से इसको अच्छे से मिलाना है। तो चलिए, फिर से इसको अच्छे से मिलाकर तैयार करते हैं। तो देखिए, नमकीन बनाने के लिए हमारे कॉर्न एकदम रेडी हैं। तो चलिए, गैस पर एक कढ़ाई को हमने रख दिया है, उसमें ऑयल डाल देते हैं, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद हम नमकीन बनाएंगे। तो देखिए, ऑयल हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए, कॉर्न के दानों से जो अलग एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर और मैदा है उसको छलनी से छानकर हटा देते हैं। उसे आप पकौड़ी या फिर कचौड़ी में यूज़ कर सकते हैं, टिक्की में भी आप उसे डाल सकते हैं, आप उसे बिल्कुल भी फेंके नहीं। तो इस तरीके से छलनी से छानकर हम पहले पहला बैच तैयार कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड बैच को भी इसी तरीके से सभी को कर तैयार करते हैं। तो इससे जो एक्स्ट्रा कॉर्न के दानों से जो अलग होगा वो हट जाएगा और जो कोटिंग है वो लगी रहेगी। तो चलिए, इनको फ्राई करते हैं और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इनको डाल देते हैं। और इन्हें ढककर हमें फ्राई करना है, तो गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक इन्हें हमें फ्राई करना है। तो ये दाने हैं वो ऊपर उछलते हैं, तो इसे ढककर फ्राई करेंगे, इसलिए इस पर ढक्कन ढक देते हैं। वो आप लोग भी इसी तरीके से ढक्कन ढक कर ही फ्राई करें, वरना ये ऊपर आ जाते हैं, उछलते बहुत हैं। तो देखिए, बीच बीच में इनको चलाते रहना है जिससे ये एक साइड से क्रिस्पी ना हो, सभी साइड से अच्छे से क्रिस्पी होना चाहिए और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी नमकीन बनती है, तो आप लोग इसे सुबह के नाश्ते में चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ इन्हें शर्व करें, तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और ये हमारे कॉर्न गोल्डन हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसी तरीके से हम इसे स्ट्रेनर में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा।
तो देखिए इसी तरीके से सेकेंड बैच को भी और सभी कॉर्न के दानों को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम नमकीन बनाएंगे। तो देखिए नमकीन को हमने टिश्यू पेपर में निकाल लिए, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा। और देखिए आप आवाज़ सुन के देखिए कितने क्रिस्पी बने। तो देखिए आवाज़ तो अभी आपने सुनी ही होगी, बहुत ही क्रिस्पी नमकीन बनकर हमारी रेडी हुई है। तो चलिए इसमें थोड़े से मसाले मिला देते हैं। ये नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हों तो आप बच्चों के लिए सादा भी निकाल सकते हैं। और ये काली मिर्ची है तो काली मिर्च पाउडर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये चाट मसाला है तो बहुत ही चटपटे मज़ेदार हमारी नमकीन बनकर रेडी हुई है। और ये जीरा पाउडर है, तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्व करने के लिए इसे एक प्लेट में परोसेंगे और सर्व करेंगे, एंजॉय करेंगे चाय और कॉफ़ी के साथ। इसमें काला नमक भी ऐड कर देते हैं और बहुत ही चटपटी नमकीन बनकर हमारी रेडी हो गई है। सभी को मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए स्वीट कॉर्न की हमारी नमकीन बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, कुरकुरे, एकदम मस्त वाली नमकीन बनकर रेडी हो गई है। सभी को बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए सर्व करने के लिए इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इन्जॉय करते हैं चाय और कॉफ़ी के साथ। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी ट्राई करें। अगर आप लोगों को हमारी ये कॉर्न की नमकीन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को हमारी कॉर्न नमकीन कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत पहुँच सके। एक बार फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।